हेलो टू एवरीवन आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिमन्यू आई ये यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर द थर्ड एंड फोर्थ वीक ऑफ फ़रवरी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड दीज करंट अफेयर्स ऑब्वियसली आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेलेवेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टेट सिविल सर्विसेज एज वेल एज द अदर एग्जाम्स दैट कीप्स ऑन कमिंग सो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये करंट अफेयर्स सो लेट्स बिगिन विद द न्यूज़ नंबर 1 रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर विमेन सेफ्टी स्क्वाड सो इसको जो है बनाया गया है squad, squad, और ये जे के पी है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस रिसेंटली दे है श्रीनगर सिटी राइट हर स्क्वाड के अंदर पांच लेडी पुलिस ऑफिसर्स होंगे या पर्सनल होंगे ईच एंड बोथ द स्क्स गठन किया गया है अब हम बात करते हैं कि वॉट इज दर्पस ऑफ सच इनिशियटिव राइट ऑब्वियसली टू हेल्प द वमेन इन द डिस्ट्रेस जो बहुत ही ज्यादा नीड के अंदर है उनको यह स्क्वाड हेल्प करेगी मेन पर्पज यही है टू इंश्योर की गर्ल्स की सिक्योरिटी अच्छे से रहे एंड स्पेसिफिकली गर्ल्स जो स्कूल कॉलेज में जाती हैं यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं या फिर कोई भी कोचिंग सेंटर्स में जाती हैं या कोई और अलग एनी एनी प्लेसिस में जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा टू इंश्योर कि उनकी सिक्योरिटी रहे इसके लिए राइट दे आर ऑल्सो गोइंग टू पेट्रोलिंग मतलब पेट्रोल भी करेंगे ऑल अक्रॉस द सिटी इंक्लूडिंग द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द डे एंड जो हैड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हैं दे हैव ऑल्सो बीन आस्ड टू कॉन्टैक्ट द वमेन्स कॉड जब भी कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो एनी इंसिडेंट दैट इज दैट इज इनसिक्योरिटी ऑफ गर्ल्स तो उस सिचुएशन में हेड ऑफ़ द इंस्टिट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये इंश्योर किया जाए कि कॉन्टैक्ट किया जाए इस स्कॉड को ठीक है सिग्निफिकेंस इस मूव का यही है ऑब्वियसली जो गर्ल्स हैं जो फीमेल हैं दे विल फील मच सेफर एंड सिवरल गर्ल्स आर बींग हरास्ड वी सी मेनी इंस्टेंसेज जब कॉलेज के बाहर या कोचिंग सेंटर्स में हरासमेंट के इंस्टेंसेज इश्यूज देखे जाते हैं एंड दिस इंसिडेंट जो है ये ये जो स्कॉट का गठन किया जा रहा है ओब्वियसली इनको जो है रोका जा सके और गर्ल्स की सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी के लिए पूरा प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो ये सारी चीज़ें वेमेन हेल्पलाइन जो है श्रीनगर पुलिस ऑल्सो लॉन्च अ डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर ऑल्सो इट्स ऑपरेशनल ट्वेंटी फोर इन टू सेवन एंड दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर वीमेन सेफ्टी रिलेटेड इशूज राइट तो ये भी एक अच्छा एक स्टेप उठाया गया है टू स्ट्रेंथन द सिस्टम इको सिस्टम जहां पे सिक्योरिटी ऑफ फीमेल जो है बैकग्राउंड की बात करें तो रिसेंटली क्या हुआ था श्रीनगर के अंदर श्रीनगर सिटी के अंदर ही एक एसिड अटैक की घटना हुई थी और एसिड अटैक की घटना की वजह से और लड़की जो जो एसिड अटैक जिसने फेस किया उस गर्ल को काफ़ी ज़्यादा इंजरीज आई दोनों आँखों में और इसके बाद जो है और भी ऐसे घटनाएं होती जाती हैं और इसकी वजह से जो है दिस इज द बैकग्राउंड एंड इसी वजह से ये इनिशिएटिव लिया गया है ओके okay? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रामबान के अंदर लेवेंडर कल्टीवेशन को प्रमोट किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जितेंद्र सिंह वो कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज प्लानिंग टू स्टार्ट दी पॉपल रेवोल्यूशन इन रामबान डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रेवोल्यूशन वॉट आर द इम्पोर्टेंट हाईलाइट देखिए पॉपुलर रेवल्यूशन जो है दैट विल बी प्लान बाई एंकरेजिंग दिवेंडर कल्टिवेशन ठीक है अंडर दिस मिशन विच वी कॉल इट एस सी एस आई आर ट्रिपल आई एम्स अरोमा मिशन और दिस इज थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ठीक है तेखे? और ये जो पॉपल मिशन है जिसे हम लोग सी एस आई आर ट्रिपल आई एम रेवोल्यूशन ये रेवोल्यूशन जो है ऑलरेडी इन रीजन के अंदर स्टैब्लिश किया गया मतलब इंप्लीमेंट किया गया डोडा एंड रेसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ठीक है इसको ऑलरेडी प्लैंड इस कर दिया गया है ठीक है और कल्टिवेशन uh, जो है लेवेंडर का कैन बी कैन बी स्टार्टेड इन रामबान फॉर इंक्रीजिंग द इनकम सोर्सेज फॉर यूथ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट क्योंकि जब इन डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया था ये मिशन तो उस टाइम पे uh, काफ़ी अच्छा एक इम्प्रूवमेंट uh, देखा गया जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली इनकम भी बढ़ी लोगों की वहाँ पे और यही थॉट uh, प्रोसेस के साथ इसको रामबान के अंदर भी इम्प्लीमेंट uh, किया जाएगा अंडरस्टैंड ठीक है ऑब्वियसली डोडा रेसी में मोर देन 500 यूथ जो है दे हैड टेकन द बेनिफिट फ्रॉम द पर्पल रेवोल्यूशन एंड ऑगमेंटेड देयर इनकम इंप्रूविंग देयर इनकम पर्पल रेवोल्यूशन अंडर द अरोमा मिशन की बात करें सो so, इस मिशन में फार्मर्स को दिया जाता है फ्री लेवेंडर सैपलिंग्स ठीक है फ्री लेवेंडर सैपलिंग्स दी जाएंगी फॉर द फर्स्ट टाइम दी गई थी अंडर द इन दी डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मतलब मैंने आपको अभी बताया कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में इसको इंप्लीमेंट किया गया तो उस टाइम पे फार्मर्स को इसी मिशन के तहत फ्री लेवेंडर सैपलिंग्स दी गई थी पहली बार ठीक है और इससे क्या हुआ दिस रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड फॉर सपोर्टिंग द एग्रो इकोनमी बेस्ड ऑन द डोमेस्टिक एरोमेटिक क्रॉप बाय मूविंग फ्रॉम द इम्पोर्टेड ऑयल्स टू होम ग्रोन वराइटी बहुत सिंपल सी चीज है कि एरोमेटिक uh, इंडस्ट्री जो है uh, अपने ही घर की एरोमेटिक इंडस्ट्री डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को और स्ट्रेंदन करना इस मिशन का एक ऑब्जेक्टिव है और जो बाहर से हम लोग इम्पोर्ट कराते हैं वॉट एवर वी आर इम्पोर्टिंग फॉर एग्जाम्पल वी आर इम्पोर्टिंग द एरोमेटिक ऑइल्स तो उस सारी चीज़ों को घर पे ही uh, आप ग्रो कर रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं उससे अपनी इनकम बढ़ा रहे हैं और उससे जॉब उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है यही इस पूरे मिशन का ऑब्जेक्टिव है जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले देखा गया इतनी इम्प्रूवमेंट अब इसको आगे जाके रेसी और रेसी से अब इसको यहाँ पे रामबान के अंदर आ, मिशन को लॉन्च किया गया है राइट अरोमा मिशन में क्या है सी एस आई आर ने ये लॉन्च किया था मिशन को इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि एरोमेटिक सेक्टर के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना ट्रांसफॉर्मेटिव पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लेकर आना राइट तो इसमें क्या है कि प्रॉपर जो है इंटरवेंशन की जा सके एग्रीकल्चर में प्रोसेसिंग में एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ठीक है ऑफ अरोमा इंडस्ट्री एंड आगे जाके रूलर एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट भी इम्प्रूव हो राइट दिस मिशन प्रमोट्स द कल्टिवेशन ऑफ एरोमेटिक क्रॉप्स ठीक है टू एक्सट्रैक्ट द एसेंशियल ऑयल्स विच आर इन ग्रेट डिमांड बाई द अरोमा इंडस्ट्री एंड ऑब्वियसली इट विन फार्मर्स एंड अरोमा इंडस्ट्री इन बिकमिंग द ग्लोबल लीडर्स इन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ एसेंशियल ऑयल्स ठीक है तो यह किया जा रहा है एंड ऑल्सो इसका जो ऑब्जेक्टिव एक और है टू प्रोवाइड बेनिफिट टू द फार्मर्स इन अचीविंग द हायर प्रॉफिट प्रोटेक्टिंग द क्रॉप्स एंड यूटिलाईजिंग द वेस्ट लैंड ठीक है तो मैंने आपको ओवरऑल ये बता दिया कि इस मिशन के थ्रू एरोमेटिक सेक्टर के अंदर जो चीजें इंपोर्ट कराई जाती थी पहले उसको एरोमेटिक सेक्टर को अपने को इतना स्ट्रेंदन करना है ताकि ये सारी चीज़ों को इंपोर्ट ना कराना पड़े बल्कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन किया जा रहा है जिसमें इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट किया जा रहा है और अपने ही घर पे इतना प्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि घर की डिमांड एंड ऑल्सो उसको बाहर भी उसको बाहर भी एक्सपोर्ट किया जा सके ठीक है तो ये एक पूरा का पूरा है जिससे कि अल्टीमेटली बेनिफिट किसानों को होगा किसान अपनी आय में वृद्धि देखेंगे जॉब्स मिलेंगी एंड ऑल्सो जो उनकी जमीन जो वेस्ट पड़ी थी या वहां इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा था वहां पे प्रॉपर इंटरवेंशन की जाएगी एग्रीकल्चर में प्रोसेसिंग में प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ताकि एक प्रॉपर जो है उनको अपनी जो फसलें हैं उनका बेनिफिट मिले नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वट इज जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल देखिए जन भागीदारी इंपावरमेंट पोर्टल जो है इट वॉज होस्टेड ऑन डिफरेंट सीर बेथ अब इसमें है क्या इस पोर्टल के अंदर क्या है इस पोर्टल के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स होती है जो आ, आपको जो है आ, आपको आ, जो एक फील्ड लेवल पे इम्प्लीमेंट की जाती है राइट चाहे वो सेंटर है स्टेट की बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स होती है राइट अब उन गवर्नमेंट स्कीम्स को ये एक आम इंसान देखना चाहता है कि वो गवर्नमेंट स्कीम कितनी ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो रही है उसका स्टेटस क्या है राइट और उसके अलावा भी आप जो है अपना फीडबैक दे सकते हो तो इस तरीके का प्लेटफॉर्म ये पोर्टल है ठीक है अब इस पोर्टल में क्या था इस पोर्टल में दिक्कत आ रही थी कि पोर्टल में आप एक्सेस जब कर रहे थे तो उसमें बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे थे पोर्टल एक्सेस नहीं कर पा रहे थे कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आ रही थी ठीक है तो अब इसको क्या किया गया है अब इसको डिफरेंट सर्वर्स पे होस्ट करने का शुरुआत कर दी गई है और हाइयर बैंड के साथ इसको होस्ट किया जा रहा है ताकि जब भी यूज़र यूज़र मतलब जनरल पब्लिक जनरल पब्लिक इस पोर्टल को एक्सेस कर रही है तो उसको बहुत कंफर्ट फील हो रहा है इजी फील हो रहा है और बहुत क्विकली ओपन हो रही है पोर्टल का जो भी इंटरफेस है बहुत क्विकली ओपन हो रहा है और इससे क्या है इससे यूज़र का जो एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव हुआ है इनफैक्ट जब से ये पोर्टल जो है ये डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स पे हायर बैंड विथ के हिसाब से होस्ट हो रहा है तो उस हिसाब उस तब तक जो है सत्तर हजार लोग जो है ऑलरेडी इस पोर्टल को एक्सेस कर चुके हैं सो ऑब्वियसली विद द इंक्रीज इन बैंड विथ द पोर्टल इज लाइकली टू रिसीव मोर हिट्स इन द नियर फ्यूचर राइट अब ये जो इम uh, yes. ठीक है अब इस पोर्टल की इंपॉर्टेंस क्या है मैंने आपको थोड़ा सा बता तो दिया इनिशियली अब हम लोग उसको पूरा पढ़ लेते हैं कि इट इज अ वन स्टॉप इंटरक्टिव एंड यूजर फ्रेंडली डिजिटल प्लेटफॉर्म यह क्या करेगा यह आपको डिटेल्ड नॉलेज देगा इनसाइट देगा टू पीपल इन टू नेचर स्टेटस एज वेल एज नंबर ऑफ डेवलपमेंटल वर्क दैट आर बींग एग्जीक्यूटेड इन देयर एरियाज मैंने वही कहा कि गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है हो उसके अंडर uh, जो है बहुत सारे काम चल रहे होते हैं तो उसके बारे में आपको पता चलना चाहिए कि वो काम जो है उसका नेचर क्या है स्टेटस क्या है ठीक है तो वो सारी चीज़ों के बारे में आपको अपने रीजन के बारे में अगर जानना है तो आप इस पोर्टल में आराम से एक्सेस कर सकते हो ठीक right? है राइट अब वर्क्स जो हैं जो भी गवर्नमेंट के सरकारी काम चल रहे हैं कुड बी सर्च विद रिस्पेक्ट टू देयर लोकेशन इन इन ईच ब्लॉक म्यूनसिपैलिटी विलेजेस एंड डिस्ट्रिक्ट ठीक है पोर्टल को लिंक भी किया गया है विद वेरियस स्कीम्स जैसे कि कौन सी स्कीम्स है मनरेगा स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन रूरल है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन है देन uh, प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ना जो गवर्नमेंट एग्जीक्यूट कर रही है अब यूजर विल हैव टू क्लिक ऑन दीज लिंक्स ठीक है टू गेन द इंस्टेंट एक्सेस टू वर्क जो जो काम चल रहा है उसके बारे में जानना है तो इस लिंक में जाएंगे इस पोर्टल में एक्सेस कर सकते हैं कि कौन सा प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के अंदर क्या क्या काम मेरे ब्लॉक के अंदर चल रहा है क्या स्टेटस है उस काम का तो ये एक पब्लिक को अवेयर करता है पब्लिक को भी पता चलता है कि ये ये सब चीजें चल रही हैं एंड वो अवेयर होती है जागरूक होती है ठीक है अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक सो ये क्या है ये है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक अब इंडियन रेलवे ने कनेक्ट किया है मेन एंड लॉन्गेस्ट टर्नल क्या नाम है उस लॉन्गेस्ट टर्नल का इट इज टी फोर्टी नाइन याद रखिएगा इस टर्नल का नाम क्या है टी फोर्टी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लॉन्गेस्ट टर्नल ठीक अंडर विच प्रोजेक्ट इट इज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट ठीक है सो दिस इज द प्रोजेक्ट नेम ठीक है अब ये जो T49 टर्नल है इट इज बिटवीन याद रखिएगा इट इज बिटवीन संबर एंड अरपिनचला स्टेशन ऑफ कटरा बनीहाल सेक्शन ऑफ यू एस बी आर एल प्रोजेक्ट ठीक है ठीक है संबर एंड अर्पिनचला स्टेशन के बीच में एंड इट इज ऑफ 12.758 किलोमीटर लॉन्ग टर्नल इट इज गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट टर्नल है ना गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट टर्नल बिकॉज वंस कंस्ट्रक्टेड गोइंग टू बी अ लॉन्गेस्ट टर्नल क्योंकि इससे पहले जब बन जाएगा बनने से पहले पहले कौन सा टर्नल है जो लॉन्गेस्ट है इट इजालनल विच इज ऑफ इलेवन पॉइंट टू किलोमीटर लेंथ ठीक है यह बारह पॉइंट सेवन फाइव एट सेवन फाइव एट किलोमीटर्स का है दिस इज इलेवन पॉइंट टू किलोमीटर एक बार ये कंस्ट्रक्ट हो गया तो दिस वुड बी द लॉन्गेस्ट टर्नल ऑफ इंडियन रेलवे इस टर्नल का नॉर्थ एंड साउथ की बात करें तो साउथ की बात पहले कर लेते हैं साउथ जो है इसका साउथ पोर्टल है इस टर्नल टी फोर्टी का इट इज लोकेटेड इन संबर विलेज जो अभी हमने पढ़ा ठीक है एंड इट इज एट द डिस्टेंस ऑफ फोर्टी फाइव किलोमीटर फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्टवार रामबान ठीक है इट हैज बिन एल्टीट्यूड कितना है चौदह सौ मीटर की हाइट पे इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है वाइल्ड जो नॉर्थ पोर्टल है जो आप बस पढ़ने वाले ही न्यूज है इट इज मोर नॉट मोर इम्पोर्टेंट अबाउट दस्टिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट राइट बट दिस इज समिंग विच इज इंपॉर्टेंट कि इंडिया का फर्स्ट एवर केबल स्टेड रेल ब्रिज जो है इंडिया का फर्स्ट एवर केबल स्टेड रेल ब्रिज ठीक है सो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने शेयर किए हैं पिक्चर ऑफ इंडिया ऑफ द प्रोजेक्ट ठीक है तो ये जो प्रोजेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं इसी का ही ये पार्ट जो है ये ब्रिज है ठीक है ये कहां पे सिचुएटेड है ब्रिज इट इज सिचुएटेड ओवर अंजी रिवर ठीक है कौन सी रिवर अंजी रिवर एंड इज डब्ड एज अंजी खड ब्रिज ठीक है इसको बोला क्या जाता है अंजी का खड़, खड़ है ये ठीक है एंड ये कनेक्ट करता है कटरा एंड रेसी सेक्शन को विच इज अ पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक ओके चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थर्ड एनिवर्सरी जो है प्रधानमंत्री किसान योजना इसकी सेलिब्रेट की जा रही है हमें इंपॉर्टेंट ये याद रखना है ये योजना

टूडे वी आर सेलिब्रेटिंग दिस मंथ वी आर सेलिब्रेटिंग इट्स थर्ड एनिवर्सरी अंडरस्टैंड अब देखिए इसमें है क्या कि आपको सीधा आपके बैंक अकाउंट में अगर आपके पास एक लैंड होल्डिंग है आपके पास जमीन है तो आपको सीधा आपके अकाउंट में छ हजार रुपए सरकार आपके अकाउंट में देगी लेकिन वो तीन इंस्टॉलमेंट में देगी तीन इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब दो दो हजार रुपए आपके अकाउंट में आएंगे कब हर चौथे महीने एवरी फोर मंथ जो है आपको इंस्टॉलमेंट आ जाएगी दो दो हजार की ठीक है इनिशियली क्या है याद रखिएगा इनिशियली दिस स्कीम वॉज लॉन्च ओनली फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ठीक है ओनली फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हुर हैविंग टू हेक्टेयर्स ऑफ लैंड होल्डिंग मतलब अप टू दो हेक्टेयर तक आपके पास है यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम बट इन जून ट्वेंटी नाइनटीन जून 2019, इट वाज़ एक्सटेंडेड टू इंक्लूड ऑल लैंड दो हेटेक्टेयर जब से स्कीम आई है एग्जिस्टेंस में uh, बहुत सारी इसमें इंप्रूवमेंट किए हैं टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस डेवलपमेंट इसका बहुत अच्छा किया गया है ताकि जो बेनिफिशियरी हैं जो रियल बेनिफिशरी हैं उनको आइडेंटिफाई करके बहुत अच्छे से उनको बेनिफिट दिया जा सके अब इसमें क्या किया गया है कि आधार वैलिडेशन जो है आपको आधार अपना देना पड़ेगा एज अ प्रूफ विच इज कम्पल्सरी ठीक है जब भी आपको क्या करना है इस स्कीम को बेनिफिट उठाना है अभी एक सवाल है कि कितने फार्मर्स जो है दे हैव गॉट द बेनिफिट फ्रॉम द स्कीम सो अराउंड 11.78 करोड़ फार्मर्स जो है दे हैव रिसीव द बेनिफिट अंडर द स्कीम ठीक है एंड ₹1.82 लाख करोड़ हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड दे हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बेनिफिशियरी अंडर द स्कीम ठीक है इनफैक्ट ये जो 1.82 लाख करोड़ है 1.82 लाख करोड़ है जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अभी तक स्कीम में सो so ये कोविड-19 पेंडेमिक जो है उसी के दौरान जो है इसमें से पॉइंट वन पॉइंट टू नाइन लाख करोड़ जो है उस टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था मतलब ताकि ऑब्वियसली कोविड नाइन्टीन में बहुत लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ी कारोबार ठप हो गए और उसकी वजह से सरकार ने ये सोचा कि चलो हम इसका जो है अमाउंट एडवांस अमाउंट भी दे देंगे आ, तो ये बेनिफिट जो है ज़्यादातर जो इसका जो ये पूरा अमाउंट है उसका जो टोटल मेजोरिटी ऑफ हिस्सा है वो पैंडमिक के दौरान ही दिया गया था अब इस स्कीम में आप अपने आप को कैसे रजिस्टर करा सकते हैं मल्टीपल तरीके से फॉर एग्जाम्पल आप अपना मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर सकते हो पीएम किसान का या फिर आप कॉमन सर्विस सेंटर में जाके वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो या फिर आप प्रधानमंत्री किसान का जो पोर्टल है वहाँ पर भी आप आराम से रजिस्टर कर सकते हो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंडियाज इनफ्लो इन अप्रैल एंड डिसम्बर अब ये रिसेंट फिगर्स हैं ठीक है थेके? ये रिसेंट फिगर्स हैं जिसमें अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड सो डी का ये डेटा है जो रीसेंट आया है ये कहता है कि अप्रैल से लेके दिसंबर 2021 तक का अगर देखें तो इंडिया का जो एफ है इक्विटी फ्लो है इनफ्लो है ठीक है आउटफ्लो नहीं इनफ्लो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो श्रिंक हुआ है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कम हुआ है बाय 16 परसेंट क्ट so uh, हुआ है अगर हम लोग इससे नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर की बात करें सेम पीरियड प्रीवियस ईयर की बात करें तो इनफ्लो जो है वो कितना हुआ था फिफ्टी वन पॉइंट फोर सेवन बिलियन दैट मीनस इस साल हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है 16% का मैंने आपको बता दिया लास्ट ईयर 51 था इस बार जो है वो कितना है इट इज अराउंड 43 बिलियन डॉलर राइट सो अगर दिस दिस इज समथिंग जो आपके पेपर में आता है आप इसको जरूर नोट डाउन करिएगा कि ड्यूरिंग द अप्रैल दिसंबर 2021 पीरियड विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 11.7 बिलियन तो देखिए इस पूरा 51.47 सॉरी फॉर ये हाउ मच फिगर इट इज 43.17 बिलियन है ना 43.17 बिलियन व्हाट यू विल गेट इज कि 11.7 बिलियन जो है डॉलर्स वो सिंगापुर से आए हैं मॉरिशियस से 6.58 बिलियन डॉलर्स आए हैं केमैन आइलैंड से 2.74 बिलियन डॉलर्स आए हैं एंड नीदरलैंड से जो है You will, uh, uh, billion and UK आपको इतना याद रखना पड़ेगा ठीक है कई बार इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइनर क्वेश्चन सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर है जिसने हाइएस्ट इन्फ्लो विटनेस किया है सो so हाइएस्ट जो इनफ्लो है दैट विटनेस इन द हार्डकेर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेक्टर मतलब इस सेक्टर में सबसे ज्यादा एफ डी इन्फ्लो आया है बाहर वाले ने सबसे ज्यादा इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है उसके बाद है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड फिर उसके बाद अगर बात करें तो सर्विस सेक्टर आ गया एंड देन उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज की बात करें और उसके बाद फार्मा सेक्टर के पास एफ डी इन्फ्लो आया है तो सीक्वेंस में देखें तो हार्डवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सबसे पहला सेक्टर हो गया दूसरा हो गया ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया तीसरा इज सर्विस सेक्टर एंड चौथा इज कंस्ट्रक्शन सेक्टर एंड देन फिफ्थ इज फार्मा सेक्टर जहां पे ये एफ डी इनफ्लो आया है ठीक so, है सो वी हैव कंप्लीटेड द थर्ड एंड फोर्थ वीक ऑफ फेब्रुरी है ना एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सो आप इनको देखते रहिए और डेफिनेटली अगर कोई डाउट है क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस सेशन सो दैट मैक्सिमम पीपल विल गेट दैट benefit right thank you